ओम गणेशाय नमः। जय माता दी। भक्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल शिवांग बेटा म्यूजिक्स में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, हम नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों अर्थात 9 देवियों की पूजा उपासना करते हैं। आइए, आज हम इस वीडियो में माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी के बारे में चर्चा करते हैं। भक्तों, हमारे इस YouTube चैनल शिवांग बेटा म्यूजिक्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्दी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माँ कात्यायनी की पावन कथा। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय सब नष्ट हो जाते हैं और साथ ही जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रों में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती प्रांबा की उपासना की, कठिन तपस्या भी की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो और माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की उपासना की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इन देवी की चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चार फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय सब मिटते जाते हैं और जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। जयकारा मां नवरात्रों वाली का। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।